नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, मैं हूं आदेश पुरी। आज 27 मार्च है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया है। इसमें दिया है कि रिश्तों में नए दौर में भारत और बांग्लादेश। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल लॉकडाउन के बाद आज पहली बार कल विदेश दौरे पर गए और ये भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश गए, जहां पर दो, आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद उन्हें रिसीव करने पहुंची। दो दिनों का ये यात्रा है और सबसे भरोसेमंद पड़ोसी के तौर पर भारत की छवि और मजबूत करना है। तो लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे पहली यात्रा जो है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ है। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण से लिया। इसमें दिया कि राष्ट्र दिल्ली में बढ़ाई जाएगी जीनोम सीक्वेंसिंग। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले और नए स्ट्रेन की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग स्थिति काबू करने में जुट गया है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा है कि हर हफ्ते 3 मरीजों के सैंपल संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। इसके हल्के लक्षण वाले, कम गंभीर और गंभीर संक्रामक वाले मरीज शामिल होंगे। अगली खबर हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया है कि मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। महाराष्ट्र में मराठों को आरक्षण देने वाले कानून की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों तक मैराथन सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। इस मामले में मराठा आरक्षण की वैधानिकता के साथ यह मुद्दा भी शामिल है कि क्या 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों का पिछड़ों की पहचान करने और आरक्षण देने की कानून बनाने का अधिकार समाप्त हो गया है। साथ ही आरक्षण की 50% सीमा पर पुनर्विचार करने की जरूरत है या नहीं, तो बहुत ही अहम सुनवाई है। इस पर जब आएगा फैसला तो उसके बहुत मायने होंगे। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया। इसमें दिया कि जम्मू में रोहिंग्या शरणार्थियों की तत्काल रिहाई की याचिका पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस नई याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों की तत्काल रिहाई और उन्हें म्यांमार प्रत्यर्पित करने के लिए किसी भी आदेश को लागू करने से केंद्र को रोकने की मांग की गई है। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण से लिया। इसमें दिया है कि असम और बंगाल में आज पहले चरण का चुनाव, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों राज्यों में डाले जाएंगे वोट। आपको बता दें कि बंगाल और असम में बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है और बीजेपी और कांग्रेस असम में और बीजेपी और टीएमसी के बीच में काफ़ी कांटे की मुकाबला है और देखने वाली बात है कि जो पहला चरण का चुनाव है उसमें वोटिंग परसेंटेज कैसा रहता है और किसके पक्ष में मतदान होता है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि देश में तेजी से बढ़ रहा महामारी की दूसरी लहर, 5 महीने बाद एक दिन में मिले 59,000 से अधिक मामले, करीब चार माह बाद सक्रिय मामलों में भी 4 लाख के पार हो गए हैं। तो देश में सक्रिय मामले जो है वो 4 लाख से ज़्यादा हो गए हैं और लगातार जो है वो मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और सबसे जो खराब स्थिति है वो महाराष्ट्र की है। इसके अलावा 5 राज्यों में विस्फोटक स्थिति का रूप धारण कर लिया है कोरोना महामारी ने। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया। इसमें दिया है कोरोना संक्रमितों के लिए दवा बनाएगा IVRI और IIT रुड़की, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दुनिया भर में हाहाकार मचाने वाले COVID-19 के टीके के बाद अब देश में दवा बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। देश में इसके लिए बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने संयुक्त रूप से शोध का जिम्मा लिया है। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें ये कहा गया है कि त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ ना होने दें। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि होली, ईस्टर और ईद जैसे आगामी त्योहारों के दौरान COVID-19 के बढ़ते मामलों की देखते हुए भीड़ को नियंत्रित किया जाए, तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि ज्यादा भीड़ ना हो। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान पेपर से। इसमें दिया हुआ है कि 1 अप्रैल से बंद होंगे सभी प्रखंड अनुमंडल के कोषागार। नई वित्तीय वर्ष की शुरुआत होते ही राज्य के प्रखंडों और अनुमंडलों के कोषागार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। राज्य में ऐसे उप कोषागारों की संख्या 32 है। 1 अप्रैल से संबंधित जिलों के जिला कोषागार में ऐसे सभी ट्रेजरी का विलय हो जाएगा। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया हुआ है कि इस साल बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं लेकिन पंचायतों में 25,000 का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। पंचायती राज विभाग ने इसको लेकर आपत्ति जताई है और जिलों को आवश्यक कदम उठाने को कहा है कि डीएम को कहा गया कि अंकेक्षण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें और अनियमितता बरतने वालों पर को चिन्हित कर कार्रवाई करें। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि एक पहल है इको टूरिज्म के लिए
बनेगा नया विंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में नेचर सफारी और रोपवे का किया उद्घाटन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर को एक पर्यटन केंद्र के रूप में बसाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और इसी कड़ी में कल उन्होंने नेचर सफारी रोपवे जो 8 सीटर है उसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही जिप लाइनिंग और सस्पेंशन ब्रिज का भी उन्होंने उद्घाटन किया है, ग्लास ब्रिज का भी उद्घाटन उन्होंने किया। वही अगली खबर हमने लिया हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि सतर्क करने को रहने को कहा गया है कि राज्य में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, सतर्क रहने की अपील। राज्य में एक बार फिर से कोरोना जो है वो खतरनाक संकेत देना शुरू कर दिया है। 15 दिनों में ही एक्टिव केसों की संख्या जो है वो 4 गुना बढ़ गई है। ऐसे में राज्य सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करती है उसे कड़ाई से फॉलो करने की जरूरत है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि पटना से आनंद विहार के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन। पटना और आनंद विहार टर्मिनल के बीच 8 अप्रैल तक रोज परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलेगी। एनटीपीसी परीक्षा में स्पेशल ट्रेन का परिचालन होने से अभ्यर्थियों के साथ साथ होली पर्व के बाद वापसी के लिए यात्रा के लिए भी ट्रेन अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगा। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि कल इंटर का रिजल्ट आया, 78.04% जो कैंडिडेट हैं वो पास हुए हैं। आपको बता दें कि साइंस से सोनाली, आर्ट से मधु और कैलाश, कॉमर्स से सुगंधा अव्वल रहे। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया हुआ है कि सरकारी कर्मियों के घर गुजे की किलकारी तो खर्च की भरपाई। अब सरकारी कर्मी या फिर अधिकारी के घर किलकारी गुजने पर प्रसव के दौरान होने वाले खर्च का आर्थिक भार स्वास्थ्य विभाग उठाएगा। प्रदेश की आम जनता के साथ सरकारी कर्मियों को भी सुरक्षित प्रसव को लेकर जागरूक बने, इस बाबत स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक खास पहल की है। वही अगली खबर हमने लिया प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि अररिया, अरवल, बांका, शिवहर और सुपौल में खुलेंगे ब्लड बैंक। राज्य के 5 जिलों में खून की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है। स्वास्थ्य विभाग अररिया, अरवल, बांका, शिवहर और सुपौल में 5 जिलों में ब्लड बैंक की स्थापना करने जा रहा है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि मुजफ्फरपुर में बनेगा 100 बेडों का ESI अस्पताल, मिली अनुमति। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मुजफ्फरपुर में 100 बेडों के ESI अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। यह अस्पताल स्वतंत्र रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा चलाया जाएगा। वही अगली खबर हमने लिया है, हर एक पेपर में छपा हुआ है कि BPSC 66वीं के मेंस परीक्षा का फॉर्म भरने का तिथि जो है वो घोषित कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत जो है वो 6 अप्रैल से हो रही है और 30 अप्रैल तक आपको आवेदन ऑनलाइन कर लेना है। और हार्ड कॉपी जो है आयोग के दफ्तर में स्पीड पोस्ट भेजने का लास्ट समय जो है वो 7 मई को शाम 5 बजे तक है और मेंस परीक्षा 5 जून को संभावित है।